40 के बाद कम कठोरता आने का कारण क्या है, इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। 40 के बाद बहुत सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें वीक इरेक्शन है। वैसे तो हमारे देश में करीब करीब हर साल 1 करोड़ लोग, मिनिमम 1 करोड़ लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित है, ग्रसित है, उनको प्रॉब्लम है। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, एट एनी गिवन टाइम। तो फिर 40 के पहले अभी तक ठीक था, 40 के बाद में क्या हो गया, तो देखना पड़ता है कि यूजुअली जब 40 के बाद में कोई आता है तो हमको ये देखना पड़ता है उसकी कोई शारीरिक बीमारी है क्या, और उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है। जैसा उसको शुगर है क्या, डायबिटीज मलाइटस, यदि शुगर है, मधुमेह की बीमारी है, तो पहला लक्षण उसका ये हो सकता है कि उसको वीक इरेक्शन है। दूसरा, उसको हार्ट प्रॉब्लम्स है, एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशंस है, जो खून की नलियां जो है उसका अंदर का घेर जो है वो कम हो चुका है, तो उसके वजह से होता है। तो हार्ट प्रॉब्लम्स है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, तो उसमें। फिर तीसरा होता है तंबाकू, निकोटीन, और उससे भी प्रॉब्लम होता है, वो ब्लॉक करता है आर्टेरियोल्स को, वेसल्स को ब्लॉक करता है, और फिर वहाँ से ब्लड फ्लो कम जाता है पेनिस में। नंबर 4 जो है वो है मोटापा, बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत वजन है, बहुत फैट है एब्डोमेन के ऊपर, और हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, तो उसके वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो इसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ क्यों। यंग एज में भी होता है तो 90% प्रॉब्लम तो ऐसा है कि वो साइकोलॉजिकली होते हैं। आफ्टर 40 देखना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल है, क्योंकि 40 के बाद में भी साइकोलॉजिकल हो सकता है, जमाने की बार, जिंदगी की ठोकर खाते खाते, टेंशन, स्ट्रेस, वरीज, उससे बहुत थक जाता है, इच्छा होती नहीं, अभी बहुत हो गया ऐसा लगता है, और फिर सब इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उसी समय हो सकता है कि उसको डिप्रेशन आया हो, या उसको डिस्थाइमिया है, क्रॉनिक परसिस्टेंट डिप्रेशन, उसमें इच्छा नहीं होती सेक्स करने की, तो इवेल्युएट करना जरूरी है कि अभी तक ठीक था और 40 के बाद में वीक इरेक्शन क्यों हुआ। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।